जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो वो नाला बहुत बड़ा खुलता था, तो पिछले 7-5 साल में मैंने कॉर्पोरेशन के पीछे पड़ पड़ के 20 लाख का उसको नाला थोड़ा स्टेप बढ़ाया था कि वहाँ जो रास्ते जहाँ पे भिवंडी मनपा के वार्ड नंबर 2 बाला कंपाउंड और वार्ड नंबर 4 खंडूपाड़ा में विधायक रईस शेख के साथ करोड़ की निधि से बनाया जाएगा शानदार मैरिज हॉल और नाले का स्लैब। समाज सेवक महबूब अंसारी उर्फ बबलू भाई की कोशिश व विधायक रईस शेख के अधिक प्रयासों से भिवंडी मनपा के वार्ड नंबर 2 बाला कंपाउंड स्थित असलम नगर के अंसारी प्लेग्राउंड, हुदा मस्जिद से खंडूपाड़ा तक नाले के स्लैब का कार्य 5 करोड़ की निधि से किया जाएगा। इसी तरह वार्ड नंबर 4 में मनपा के हाजी फजलुर रहमान मोहम्मद उस्मान अंसारी मैरिज हाल की खस्ता हालत को देखते हुए विधायक रईस शेख द्वारा 2 करोड़ की निधि उपलब्ध कराई गई है, जिससे यहां 2 मंजिला शानदार इमारत वाला मैरिज हॉल पुनर्निर्माण किया जाएगा। आज दोनों ही विकास कार्यों का शानदार तरीके से लोगों की दुआओं के साथ विधायक रईस शेख के हाथों उद्घाटन किया गया। साथ ही एक जुलूस के साथ विधायक रईस शेख ने इन इलाकों का दौरा किया, जहां जगह जगह लोगों ने फूलों की वर्षा कर विधायक के काफिले का स्वागत किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध आलमी दीन शैयद मुफ्ती उजेफा कासमी, समाज सेवक महबूब अंसारी उर्फ बबलू भाई, औरंगजेब पप्पू अंसारी, पूर्व नगर सेवक हसनैन फारूकी, हाजी अनस अंसारी, जुबैर शेख, जावेद अंसारी, अबरार अंसारी तथा वार्ड के कई नागरिकों की मौजूद थे। आज इस हॉल को 2 करोड़ की निधि मिली है, कितने संतुष्ट हैं? कैसे ये हॉल बनेगा? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जो रईस शेख साहब ने इसमें हॉल के लिए 2 करोड़ रुपया मंजूर कराया। ये बहुत जल्दी है, 2-4 दिन में काम भी शुरू हो जाएगा। इससे आवाम में बहुत खुशियां हैं और मैं भी बहुत खुश हूं कि ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो कि कॉर्पोरेशन से कई मरतबा मुतालबा किया गया, लेकिन कॉर्पोरेशन में फंड ना होने की वजह से काम नहीं हो रहा था, लेकिन रईस शेख साहब ने ये काम मंजूर कराया। वो तो जब मैं इलेक्शन लड़ा था तो वो नाला बहुत बड़ा खुलता था, तो पिछले 7-5 साल में मैंने कॉर्पोरेशन के पीछे पड़ पड़ के 20 लाख का उसको नाला थोड़ा स्टेप बढ़ाया था कि वहाँ जो रास्ता जहाँ पे खत्म हुआ था वहाँ पे रास्ता था, लोग नाले में गिर जाते थे। कमिश्नर साहब ने 20 लाख का काम मंजूर कराया था। फिर रईस शेख साहब आ भी तो आए तो मैंने उनको नाला दिखाया। रईस शेख साहब ने मुझे आश्वासन दिया कि मैं इसका एस्टीमेट बनाता हूँ। एस्टीमेट बना 5 करोड़ का। फिर बोला भाई साहब ये पता नहीं कब होएगा। बोले अगर ये नहीं मंजूर होएगा तो मैं अपने फंड से तुझे 50 लाख रुपया दूंगा, तू बना लेना। आज अल्लाह का शुक्र है कि 5 करोड़ रुपया फंड मंजूर हो गया और उसका इफ्तिताह भी हो गया और काम भी शुरू होने वाला है। पानी की तकलीफ इसलिए कि जो IGM टाकी है जहाँ से हमारे वार्ड में पानी आता है उसकी सीढ़ी जो है एकदम धोखादायक हो चुकी है, उसके ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता। जो उसके ऊपर मीटर लगा हुआ था 2.5-3 साल से वो गिरा हुआ है, तो अभी बीच में जो सीढ़ी का काम कॉर्पोरेशन ने चालू किया वो लगभग एकदम मुकम्मल हो गया है। पटनावर साहब से बात हुई थी, बोले हफ्ते भर में वो मीटर का काम लग जाए। जब मीटर का काम हो जाएगा तो उसमें दिखेगा पानी कितना मीटर भरा है। वो 7 मीटर की टाकी है, अभी उसमें 4 मीटर भरता है कि 5 मीटर भरता है कि 6 मीटर भरता है पता नहीं चलता। अगर इंशाल्लाह 7 मीटर टाकी भरेंगे तो हमारे वार्ड में पानी की तकलीफ नहीं रहेगी। देखिए, चंद दिन पहले मेरे पास ये बात आई थी कि ये हॉल बहुत खस्ता हो गया है और इसको जिस तरह का आप भी देख रहे हैं कभी भी धोखादायक बन सकता है ये हॉल। यहाँ पे बहुत गरीब लोगों की शादी होती है, तो एक बहुत ही बड़ा मसला हमारे सामने आ गया था। इसकी हालात देख के बहुत परेशान था मैं। यहाँ पे जब भी शादी में आता था लोग कहते थे कि पंखा लाइट कुछ नहीं चल रहा है, तो हमने फिर डिसाइड किया कि इस हॉल को 2 करोड़ रुपए की हम निधि देंगे। कॉर्पोरेशन ने इसका एस्टीमेट बनाया, खूबसूरत प्लान बनाया और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये हॉल बनेगा जैसे रहमतपुरा बना, और बनने के बाद ये कॉर्पोरेशन को वापस दिया जाएगा और आने वाली काउंसिल, इससे मुझे उम्मीद है कि ये हॉल एकदम नॉमिनल रेट पे जो है गरीबों को मिले। यहाँ पे हम स्टेज, लाइट, फोकस, हर चीज़ का इंतजाम करेंगे जैसे रहमतपुरा में हुआ।
और उसके बाद गार्डन भी बनाएंगे। अब गार्डन का तो प्रपोजल इस वक्त नहीं है, लेकिन ये हॉल का प्रपोजल है, आज इसका उद्घाटन कर रहे हैं हम, थोड़े दिन में इंशाल्लाह इसका काम शुरू होगा। ये जो हॉल बनेगा तो ये कम्युनिटी सेंटर बनेगा, तो इसके आसपास जो है और कुछ एमिनिटीज या यूटिलिटीज आपको बताएंगे? देखिए, फेज वन जो है वो वेलफेयर सेंटर यानी हॉल है कम्युनिटी। फेज टू जो पीछे का गार्डन है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम को एक अच्छा गार्डन मिले, अच्छा हॉल मिले। यहाँ पर लोगों को घूमने के लिए भी जगह नहीं है, जैसे अभी अंसारी प्लेग्राउंड बन रहा है वैसे ही यहाँ पर फैसिलिटी बने, हम फेज फेज में सब चीज़ का अपग्रेडेशन कर रहे हैं। राजनीतिक समीकरण बदल रहा है, लोग एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, कभी रईस शेख के साथ फोटो खिंचवाते हैं, कभी हैदराबाद में जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जमहूरत इसी को बोलते हैं, लेकिन आवाम बहुत ही समझदार हो गई है। आवाम को पर्दे के पीछे की बात भी अभी पता चल रही है। सबसे बड़ी बात जो लोकसभा इलेक्शन में हुआ है कि बेदारी बहुत आ गई है। आम इंसान, आम बहन, बच्चा भी बता सकता है कि अभी क्या हो रहा है। वो दिन गए कि आप लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे, आज लोग बहुत समझदार हैं, लोग समझते हैं, लोग काम के लिए आगे आते हैं, लोग महाविकास अघाड़ी के साथ हैं। ये फोटो की राजनीति अब भिवंडी में बहुत हो गई, लोग फोटो की राजनीति को नहीं काम को देखेंगे। महाविकास अघाड़ी भाई, मेरा मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे ये मालूम नहीं है कि अलायंस में क्या बात चलती है। मैं मुझे उम्मीद रखता हूँ मेरी पार्टी मुझे टिकट देगी, बाकी इससे ज्यादा मुझे कुछ मालूम है नहीं। अगर महाविकास अघाड़ी ने इसका कैंडिडेट नहीं दिया बेस्ट सीट ली, रईस शेख का क्या करेंगे? अब अगर मगर पे मैं जवाब नहीं दे सकता। मुझे पता है कि महाविकास अघाड़ी से मैं आऊंगा, समाजवादी से आऊंगा, और इंशाल्लाह ताला ये सीट फिर एक बार हम लोग जीतेंगे। रईस शेख भिवंडी से लड़ेंगे चुनाव या मदनपुर से लड़ेंगे? अरे मेरे भाई, बोल बोल के थक गया। रईस शेख भिवंडी ईस्ट से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि भिवंडी ईस्ट की आवाम ने मुझे आमदार बनाया, मौका दिया, पहचान दी। हम कोशिश करेंगे कि बाइकला में भी अच्छा कैंडिडेट आए, लेकिन दिन रात मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। लोग अफवाह फैला फैला के थक गए, लेकिन आवाम सुनने को तैयार नहीं है। इंशाल्लाह भिवंडी ईस्ट से हमारी जीत होगी। कोई दिख नहीं रहा है अभी तो, प्रत्याशी आएंगे। हमारी लड़ाई बीजेपी की मानसिकता से है, हमारी लड़ाई महायुति से है, और हम सिर्फ भिवंडी में नहीं पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और जो महायुति है उसको हराएंगे। भाई, शांतिनगर बाबा होटल के बाद स्कूल नंबर 17 आपके 60 लाख के फंड से रिपेयर हुई थी, लेकिन तकरीबन एक साल से वहाँ पे बच्चों के लिए जो टॉयलेट और पीने के लिए पानी नहीं है। भाई, मैं जाके देखूंगा। हमारी कोशिश रहती है कि कॉरपोरेशन से जो भी रिक्वेस्ट आए हम पूरी करें। टॉयलेट की रिक्वेस्ट आएगी, पानी का क्या मसला, मैं जाके देखूंगा इंशाल्लाह। शिक्षा के लिए भिवंडी महानगर पालिका की जितनी भी स्कूलें हैं उसके अंदर जो 6th, 7th, 8th क्लास है वहाँ पर लेडीज टीचर क्यों नहीं पढ़ा रही है, जेंट्स टीचर क्यों पढ़ा रहे हैं बच्चे? देखिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो पॉलिसी इस वक्त है वो सेग्रीगेशन नहीं करता लेडीज और जेंट्स में, लेकिन ये सुझाव भी हम भिवंडी से ही दे रहे हैं। जो हादसे हो रहे हैं बदलापुर में, जो हुआ हमारे शहर में हुआ, अब जरूरी है कि बच्चियां जब थोड़ी बड़ी हो जाएं तो उनको लेडीज टीचर ही पढ़ाएं। इस मुद्दे को लेकर हम सरकार से बात करेंगे, पॉलिसी को चेंज करेंगे, और समायोजन के जरिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज टीचर ही पढ़ा सके। और हम अब इंसिस्ट कर रहे हैं कि CCTV कैमरा हर स्कूल में लगे। मैंने सख्ती से कहा है, सरकार एक तरफ बदलापुर की प्राइवेट स्कूल के ऊपर एक्शन ले रही है, एजुकेशन ऑफिसर थाना का सस्पेंड हो गया, मुंबई का सस्पेंड हो गया कि CCTV नहीं लगा, छोटे शहरों का क्या? थाना से CM है इसलिए वहाँ पे सस्पेंड हो गया, मुंबई में मीडिया है इसलिए सस्पेंड हो गया। भिवंडी की हर स्कूल में CCTV लगाने की जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है।